जय माता दी मित्रों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका स्वागत है। कल धूमावती जयंती के उपलक्ष्य में, धूमावती प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में माँ धूमावती की साधना हम देने जा रहे हैं। तो धूमावती आप जानते हैं कि शिव को निकल जाने के कारण, पार्वती ने जब शिव को निकल गई उनकी शुदा के लिए, तो माँ धूमावती का प्राकट्य हुआ और ये धुएँ के जैसी हैं, इस कारण से इन्हें माँ धूमावती बोला गया। तो ये ऐसी एक अकेली महाशक्ति है जो स्वयं की नियंत्रिका है, क्योंकि ये तो शिव को खा गई तो भैरव आ ही नहीं सकते, प्राकट्य हो नहीं सकते, ये कुमारी टाइप हैं, है ना, कुमारी हैं। तो महादेव को निकल जाने के कारण ये विधवा हैं। आप ये सब जानते हैं, आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें इनके बारे में सुनी होंगी और काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, है ना। तो इनकी मूर्ति धुएँ के समान है। तो ये माँ का एक, कहा जाए तो वरह पीड़ा का बहुत दर्द भरा एक रूप है। तो जैसे अपन नारद पुराण पश्चात के अनुसार अपन देखा जाए तो इनको उग्र चंडिका के रूप में प्रकट किया गया था, और इनके आजू बाजू से गीदड़ियों की आवाज़ आना शिव को निकलने का तात्पर्य है, ये अपने मतलब स्वामित्व का निर्देश करती हैं। कच्चे मांस की अंगभूतियाँ शिवाय तृप्त हुई हैं, ये भूख का इनकी रहस्य है। इनके मतलब, इनका अगर मैं विवरण करूँ तो काले रंग वाली हैं, है ना, बाल खुले, केश खुले, मैले कपड़े धारण, विधवा, काक ध्वज वाली, रथ पे आरूढ़ होकर के सूपे को धारण करती हैं, भूख प्यास व्याकुल, वैसे निर्मम इनकी आंखें हैं कि आप शायद अगर उस चीज़ को समझें तो धूमावती इसी कारण से तंत्र कात में एक्सपर्ट होती हैं। धूमावती की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी विपत्ति को नहीं प्राप्त होता, रोग कभी नहीं होते, युद्ध में हमेशा उच्चाटन वगैरह, और तंत्र काट आप जानते हैं, तंत्र और मारण में ये हमेशा हमेशा मतलब ये है कि तंत्र काट इनसे, ऐसा कोई तंत्र काट नहीं है, मुस्लिम हिंदू कोई भी ऐसा तंत्र काट नहीं जो बचा हो। संसार में जितने भी दुख के कारण हैं, माँ आपका ज़रूर हरेगी, है ना, जैसे ज्वर, उन्माद, दाह, रुद्रकोप, मूर्छा, विकलांगता, यमकोप, है ना, गाठिया, लकवा, शोक, कलह, ये सब चीज़ का नियंत्रण करती है माँ। तो धूमावती का पहले मंत्र, जाप, ध्यान, यंत्र, जप, होम, कवच, हर चीज़ की एक साधना पूरी आपको बताई जाएगी। ये साधना कल से चालू होने वाली है, है ना, जिसमें 1.25 लाख मंत्रों का विधान है, पुष्चरण होगा 1.25 लाख मंत्रों के बाद, और गिलोय से हवन होगा, दशांश होगा इसका हवन, है ना। धूमावती यंत्र का कोई भी व्यवस्था नहीं है, है ना, काली पूजन यंत्र अगर कोई कर ले तो धूमावती यंत्र कर सकता है, और धूमावती यंत्र अगर कोई कर ले तो काली पूजन यंत्र कर सकता है, है ना। इनका उसके बाद आप टीका करिए, टीका के बाद आप साधना के अगले चरण में आएंगे, कवच आदि का जैसे मैंने बताया। तो धूमावती स्तव करिए, धूमावती कवच है, जैसे धूमावती कवच का जो तरीका है, धू रूपणी, सर्वधूपणी, आगे बता नहीं सकता हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसा है मंत्र, सर्वांग पातु द्वेषी, निखिला भाग निम कार्य कल्याणी, हृदय प्रस्त्यु, ऐसे करके कवच के मंत्र हैं इनके। तो धूमावती आप जानते हैं सातवीं महाविधा है, और अगर किसी भक्त को धूमावती साधना चाहिए, क्योंकि कल से साधना प्रारंभ हो रही है, कल से इनका हमारे जितने भी यूट्यूब चैनलों के लिए आप कमेंट सेक्शन में आप का नाम और अपनी माँ का नाम लिखें, तो सबके लिए, यूट्यूब के पूरे परिवार के लिए मैं कल एक हवन रख रहा हूँ छोटा सा, जिससे आपको, आपके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त हो। आप चाहें तो उसमें अपना कुछ सहयोग दे सकते हैं, और सहयोग ना भी दें तो अपना नाम ज़रूर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें अपना नाम, अपनी माँ का नाम, ताकि धूमावती माँ की कृपा सब तक, आप तक, पूरे मेरे यूट्यूब परिवार तक पहुँचे। और अगर किसी को साधना करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप के संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि धूमावती साधना मेरे हिसाब से प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। जय माता दी।